हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्किल्स। आईटी स्किल्स में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हमारा जो आईटी स्किल्स में टॉपिक है, उस टॉपिक का नेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपने ये नेम नहीं सुना तो ज़रूर देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ल्ड क्या है, आज हम आपको बताएंगे। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता, इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको जहाँ भी जाएंगे वहाँ नीडेड होगा। तो दोस्तों, इसमें ये टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू व्यू। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे पहला टैब जो है वो होम वाला आपको बता रहे हैं। उसमें जितने भी व्यूज हैं वो हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद इससे पहले हम जो टेक्स्ट हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे के पेस्ट करते हैं। दोस्तों ये देखिए, अब हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट वो रखे हैं उससे आप क्या कर सकते हैं। अब जो होम टैब जो है उसमें ये जो पहला सेक्शन है उसमें आप कट कॉपी फॉर्मेट कर सकते हैं। कट कॉपी तो आपको आता ही होगा, आसान है। फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप, एक पेंट के जरिए एक पिक्चर भी बना सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है ये बहुत काम का है दोस्तों, इसे गौर से देखिए। जो फॉन्ट का सेक्शन है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं कि एम एस ऑफिस में आप कुछ सीखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अब हम यहाँ पर करते हैं, आप देखिए। अगर आप चाहते हैं आपके जो लेटर्स हैं वो उसकी जो स्टाइल है वो चेंज हो, ये देखिए, आप यहाँ पे जो भी लेटर्स हैं वो रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जो फॉन्ट है उसकी कलर जो साइज है वो बड़ा है बना सकें आप, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। उसके बाद जो आप कम कर सकते हैं, ये इससे बढ़ा सकते हैं, इससे कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये, आप अगर चाहते हैं जो आपके सारे लेटर्स हैं वो बोल्ड हो, तो ये देखिए आप यहाँ इसको करना होगा। और अगर इटैलिक ये आपको कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं सारे अंडरलाइन हो तो देखिए दोस्तों, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, एक लाइन को भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सारे लाइन्स अंडरलाइन है वो भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लाइन जो भी आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर ये देखिए, आप जो लेटर्स हैं उसके बीच में लाइन दे सकते हैं, अगर जो सारे लाइन्स हैं उसके बीच में आप एक लाइन दे सकते हैं, ये देखिए। अब और ये एक्स टू का मतलब है कि आप अगर चाहते हैं कि एक जो लाइन है उसके नीचे में थोड़ा सा लाइन हो, तो आप उस एक्स टू से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं एक जो लेटर्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा लाइन हो, तो आप इससे कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं जो आपके लेटर्स हैं वो लोअर केस हो, देखिए सारे लोअर केस, अगर आप अपर केस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद आप चाहते हैं जो हमारे लेटर्स हैं उसकी बैकग्राउंड की कलर, ये देखिए आप दे सकते हैं, जो अगर आप जो आपको बैकग्राउंड कलर में अच्छा लगे वो रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने जो लेटर्स फॉन्ट हैं उसकी कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अपने फॉन्ट का जो कलर है वो देख सकते हैं। दोस्तों ये पूरा सेक्शन जो है आपका फॉन्ट का है, मतलब आप फॉन्ट जिस तरह सेट कर सकते हैं इस सेक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, अगर आपने ये सारे व्यूज करके देखे हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं जो आपका जो स्टाइल वगैरह आपने दिए उसे क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ये व्यू देखिए ज़रूर। अब जो हमने जो जो भी स्टाइल दिए हैं हम इसे क्लियर कर सकते हैं, ये देखिए अब जो पहले थे हमारे वैसे ही हो गए। अब दूसरा जो सेक्शन है वो पैराग्राफ। दोस्तों ये पहला सेक्शन तो था फॉन्ट का, वो आपने देखा, और दूसरा जो है वो पैराग्राफ का है। पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए इससे आप क्या कर सकते हैं, जो बुलेट्स हैं वो दे सकते हैं, ये देखिए जितने भी लाइन है उससे आप बुलेट दे सकते हैं, ये देखिए जिस टाइप का आपको पसंद आए वो रख सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम आते हैं इसके दूसरे व्यू पे, उससे आप नंबरिंग लाइब्रेरी, नंबरिंग लाइब्रेरी का मतलब ये है कि आप अपने लाइन को नंबर दे सकते हैं, ये देखिए, अगर नंबर नहीं तो ये भी दे सकते हैं आप, ये देखिए। और उसके बाद तीसरे में आते हैं, तीसरे व्यू में क्या है, तीसरे व्यू में आप नंबर भी दे सकते हैं और अल्फ़ाबेट ए बी सी मतलब जो भी आप रखना चाहते हैं, मतलब एक में ए हो दूसरे में वन हो, अगर पहले में वन हो तो दूसरे में ए हो, ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी आप एक लिस्ट बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो आपको फोर व्यूज़ देखने में आते हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इन जो फोर व्यूज़ हैं उनमें से आप इन टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं। तो जैसे हम चाहते हैं ये जो लाइन है ये बीच में आए, ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लेफ्ट में ज़्यादा हो, अगर आप चाहते हैं थोड़ा लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में ज़्यादा हो,
तो आप इन फोर लेंस में जो फोर व्यूज हैं उनमें आप जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो सेट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें आते हैं दोस्तों लाइन स्पेसिंग। तो इस व्यू से आप क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग से आप अपने लाइन की जो स्पेस है वो 1.5 कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मतलब 2.5, देखिए आप जो भी चाहें वो कर सकते हैं। और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, देखिए ये आप अपने जो, ये देखिए आप जो अपने जो एक टेक्स्ट का आपने फाइल बनाया उसकी जो बैकग्राउंड है उसको शेड कर सकते हैं। ये देखिए ये जो टेक्स्ट हैं उनकी कलर नहीं, आप उनकी बैकग्राउंड को शेड दे सकते हैं। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आप चाहते हैं अपने टेक्स्ट को एक बॉर्डर देना तो आप एक बॉर्डर भी दे सकते हैं। ये देखिए जिस तरफ का, ये देखिए आप जो भी बॉर्डर चाहे वो रख सकते हैं। इनमें से पैराग्राफ में आप एक बॉर्डर भी सकते हैं, टॉप से दे सकते हैं, लेफ्ट से, बॉटम से, आउटसाइड, ऑल बॉर्डर, सब जो बॉर्डर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, ये है शॉर्ट अल्फाबेट्स, द सिलेक्टेड टेक्स्ट आर शॉर्ट न्यूमेरिकल डेटा। इससे क्या होगा, अगर आप चाहते हैं जो हमारे जो लाइंस हैं उनमें से पहला जो लेटर है वो बड़ा है, और जो ए मतलब जो हमारा ए है वो बड़ा है पहले लाइन में, अगर ए से लेकर जेड तक हमारे पहले जो लेटर्स हैं वो पहले लाइन में बड़ा है। और इसके बाद ये है दोस्तों, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या 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 कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए इसे हम आपको दिखाते हैं। इसे ये देखिए आपने ये ऑप्शन देखिए, ये व्यू में आपको आता होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से कोई निशान रखें लाइन पे, देखिए आप जो भी निशान रख सकते हैं। तो दूसरा जो पैराग्राफ था हमारा वो था हमारा, दूसरा जो सेक्शन था वो हमारा पैराग्राफ था, जो पहला सेक्शन था वो फॉन्ट का था। और उसके बाद अब ये देखिए उसमें आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। ये देखिए उसके बाद अगर आप चाहते हैं स्पेसिंग ना हो आपके लेटर्स में, ये देखिए स्पेसिंग ना हो तो आप ये भी कर सकते हैं, ये देखिए। और उसके बाद अगर आप हेडिंग टेक्स्ट लगाते हैं, मतलब जो हमारा पहला आपका था वो हेडिंग में होगा, ये देखिए आप हेडिंग भी बना सकते हैं, टाइटल, ये देखिए आपने, ये अब हमारा टाइटल हो गया। अब यहाँ पे तो मुख्तलिफ डिफरेंट डिफरेंट हैं, आपको जो पसंद आए वो रख सकते हैं यहाँ पर, देखिए। और उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद ये है आप जो लेटर्स हैं उसकी कलर्स चेंज कर सकते हैं, ये देखिए जो भी कलर आप चाहते हैं वो अपने टेक्स्ट के देख सकते हैं। उसके बाद स्टाइल भी दे सकते हैं, फॉन्ट, अगर आपको फॉन्ट पसंद आए यहाँ पे आप अपने फॉन्ट भी रख सकते हैं, जो फॉन्ट आपको पसंद आए वो रखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे ये फॉन्ट रखते हैं। और उसके बाद ये क्या है दोस्तों, ये अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं मेक, देखिए दोस्तों ये यहाँ पर जो मेक है वो अब अंडरलाइन हो गया। ये देखिए यहाँ पे अब जो भी टेक्स्ट आपके जो पेज में है वो आप फाइंड करना चाहते हैं तो को कर सकते हैं। उसके बाद है रिप्लेस, अगर आप चाहते हैं जो मेक है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेक को हम रिप्लेस करते हैं, इसकी जगह एक और कोई वर्ड यूज करते हैं, मेक की जगह हम एक यूज करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो देखिए रिप्लेस, ये देखिए टेक हो गया है, जो मेक पहले यहाँ था हमने रिप्लेस किया, फिर टेक हो गया। आप अपने लेटर्स या टेक्स्ट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। उसके बाद एक और ऑप्शन है सिलेक्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके ये देखिए सारे सिलेक्ट हो वो भी कर सकते हैं। सिलेक्ट तो हम एक कीवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए जो पहला सेक्शन था हमारा होम टैब का वो ये था, होम टैब में क्या था, पहला सेक्शन फॉन्ट का था और दूसरा जो पैराग्राफ का था, आप पैराग्राफ में नंबर वगैरह बुलेट्स वगैरह दे सकते थे, फॉन्ट्स को आप अगर जितना भी फॉन्ट स्टाइल रख सकते थे। और जो हमारी थी ये तो आपके स्टाइल से हेडिंग का, आप हेडिंग का जो भी स्टाइल रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद आपने कलर भी दे सकते हैं, फॉन्ट्स का स्टाइल सेट कर सकते हैं फॉन्ट की, ये देखिए। और उसके बाद जो हमारे तीन ऑप्शन थे, फाइंड, रिप्लेस कर सकते हैं और सिलेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज हमारा इस लेसन में जो था मेन टॉपिक वो था होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। दोस्तों अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करना नहीं आता तो आप कोई जॉब के लिए हल नहीं है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आप आसानी से देख सके। थैंक यू।